दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं नामदेव जी टेक्निकल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास रेडमी का मोबाइल है, जी हाँ एमआई का मोबाइल, अगर आपके पास शाओमी कंपनी का एमआई का मोबाइल है तो उसमें नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप कोई नया एमआई का मोबाइल लेके आते हो तो उसमें आप डायरेक्टली इंटरनेट चलाते हो तो नॉर्मल इंटरनेट चलता नहीं है, बहुत स्लो इंटरनेट चलता है। आप 4G की सिम लगाते हो बट इंटरनेट की स्पीड 2G जैसी आती है। तो इंटरनेट की स्पीड को कैसे बढ़ाएं रेडमी के मोबाइल में, और इंटरनेट की स्पीड जो है उसको बढ़ाने के लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ती हैं, वो सेटिंग में क्या चेंजेस हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बहुत से लोग परेशान होते हैं कि उनका इंटरनेट नहीं चल रहा प्रॉपर तरीके से। तो आज पूरा शॉर्ट आउट कर दूंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा मैं, बस ये वीडियो पूरा देख लेना। आज आप इस वीडियो को देख के समझ जाओगे कि आपका इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम था और सेटिंग में क्या चेंजेस करने थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत छोटा सा चेंज है बट इंटरनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मेरे पास है एमआई का नोट 9 प्रो मैक्स, तो उस मोबाइल में मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि सेटिंग में क्या चेंजेस करना है जिससे आपका इंटरनेट फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, सेटिंग ओपन कर लेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वो सिम सेलेक्ट करनी है जिस पे आप इंटरनेट चलाते हो। तो मेरा जियो है, मैं जियो पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक्सेस पॉइंट्स नेम पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं APN आ गया है। APN में जो आगे एरो दिखाई दे रहा है, जियो नेट इंटरनेट के आगे जो एरो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा APN सेटिंग सब ओपन हो गया है। तो इसमें सबसे नीचे आना है, यहाँ बेयरर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेयरर के ऑप्शन में सिर्फ एक अनस्पेसिफाइड पे टिक लगा हुआ है, हमें LTE, HSPAP और HSPA ये टोटल 4 सेलेक्ट कर लेना है। अनस्पेसिफाइड ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, बाकी के 3 हमको सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है, और फिर मोर पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपको सिर्फ इतना सेटिंग करना है। अब आप बैक आ जाएंगे। अब इसके बाद जो दूसरा सेटिंग बता रहा हूँ वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का सेटिंग है, उसके लिए आपको डायलर पे ओपन करना है। अब डायलर ओपन करके आपको लिखना है *#*#4636#*#*#। तो ये नंबर मैं आपको साइड स्क्रीन में भी शो कर देता हूँ। तो ये नंबर डायल करने के बाद आपको ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1, अगर आप 1 पे चलाते हो तो 1, और अगर आपका नेट सिम 2 पे है तो आपको फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2। तो मेरा सिम 1 पे डला है तो मैं फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं सेट प्रेफर्ड नेटवर्क, इस पर क्लिक करके LTE ओनली, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो सिलेक्टेड है LTE ओनली पे ही आपको रखना है। अगर आपका दूसरा कुछ सिलेक्ट होगा तो आपको LTE ओनली सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, नहीं तो मेरा दूसरा सिलेक्ट था, ये वाला सिलेक्ट था, तो मैंने LTE ओनली। इसका बेनिफिट ये है, अगर आप किसी ऐसे नेटवर्क एरिया में जहाँ पर 4G के नेटवर्क ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल रहे हैं तो आपको 2G या 3G की स्पीड ऑटोमेटिकली मोबाइल एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। अब अगर आप LTE ओनली सिलेक्ट करके रखेंगे तो हर हालत में मोबाइल आपको 4G की स्पीड ही प्रोवाइड कराएगा, वो 3G या 2G का नेटवर्क नहीं कैच करेगा। तो LTE ओनली करने से ये बेनिफिट है। ये बहुत ही एडवांस लेवल का सेटिंग है और बहुत ही कारगर है, ये 100% वर्क करता है। आप करके देख लीजिए अपने मोबाइल में। ये LTE ओनली सिलेक्ट करने के बाद हमको नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SMSC के आगे अपडेट और रिफ्रेश, तो पहले अपडेट पे क्लिक करेंगे फिर रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे। बस इतना काम करने के बाद हम बैक आ जाएंगे, सिंपल बैक आ जाएंगे। तो हमारा इंटरनेट का पूरा सेटिंग सेट हो चुका है। अब अगर आप इंटरनेट चलाएंगे फिर आप स्पीड देखिएगा कि आपका 800-900 1 MBPS तक स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा। कोई वीडियो प्ले करके नहीं दिखा सकते, नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा, बट आप इंटरनेट की स्पीड आप चेक कर सकते हैं ये करने के बाद। आई होप यू गाइस, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसी प्रकार नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहते हैं, हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ हमेशा बने रहें। थैंक यू।